फ्रेंड्स, जब भी हम अपने हिप्स और अपने थाइस के फैट को रिड्यूस करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक्सरसाइज आती है स्क्वाट्स, रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी हमें अलाउ नहीं करती, मतलब आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप जंप्स नहीं कर सकते, या मतलब आपके घुटनों में अगर दर्द है तो आप लंजेस नहीं कर सकते, है ना। तो इस कंडीशन में आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप एक्सरसाइज भी कर पाएँ, फैट भी रिड्यूस कर पाएँ और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़े ना, ठीक है। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियोस लेके आई हूँ। ये एक्सरसाइज आपको एक बार मेरे साथ साथ में करना है। किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके बताएंगे। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लगातार मेरे चैनल पर आते रहती हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस से। अपने पैरों को इस तरह से ओपन कीजिए, ऐसे खोलते जाइए, ओपन कीजिए और खोलिए पैरों को थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। ध्यान नहीं कि आप पैरों के जो घुटने हैं इनको आप अभी फोल्ड करेंगे नहीं, सीधे रखेंगे और इस तरह से अपने पैर के राइट अंगूठे को राइट साइड में टर्न करेंगे और लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। कमर को एकदम सीधा रखेंगे, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे इस तरह से नीचे आना है। ये कमर को एकदम सीधा रखिए, आगे नहीं झुकाना है। एक बार मैं आपको साइड से दिखाती हूँ ताकि आप और अच्छे से पॉस्चर समझ जाएं। इस तरह से सामने देखते हुए कमर को सीधा रखते हुए इस तरह से नीचे आइए और फिर धीरे से ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अब आप बोलोगे हमारे घुटने में दर्द तो नहीं हो जाएगा। देखो, अगर आपके पहले से घुटने में दर्द है तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से इतना नीचे आना है जितना आप आराम से आ रहे हो। जब आपको लगे घुटने में दर्द होना शुरू हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, सेम टाइम आप ऊपर आ जाइए। कहने का मतलब है जितना आप आराम से कर सकते हो उतना करो और फिर ऊपर आ जाओ। अगर आपको पहले से घुटने में दर्द नहीं है और आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस करने से आपके घुटने में दर्द हो रहा है, तो एक बार अपना पॉस्चर चेक करो। क्या आपके पैर बाहर की तरफ हैं? यस। क्या नीचे जाते वक्त कहीं ऐसा तो नहीं है घुटने आपके पैर के अंगूठे से आगे निकल गए? अगर ये घुटने आपके पैर के अंगूठे से आगे निकलेंगे तो आपको फिर घुटने में दर्द आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि पैरों को आप ज़्यादा खोलें ताकि आपके घुटने आपके टोज के अंदर रहें, ठीक है। इस पोजिशन में हम होल्ड करेंगे, जितना आप आराम से नीचे आ सकते हैं उतना नीचे आइए और यहाँ पर होल्ड कीजिए। सिर्फ आप अपनी इन वाली मसल्स को फील करेंगे, ठीक है। लेट डू दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस धीरे से ऊपर आ जाइए। अभी हमने 10 का एक सेट किया है। इसी तरह आपको इस तरह से 3 बार इस पोजीशन में बैठना है 10-10 काउंट के लिए, यानी कि आपको 3 सेट लगाने हैं। अब देखते हैं हमारी अगली प्रैक्टिस, जिसके लिए पैरों को ओपन कीजिए इस तरह से, जितना आप आराम से ओपन कर सकते हैं उतना ओपन कीजिए। घुटनों को बिल्कुल सीधे रखिए, सामने देखिए और धीरे से अपने हाथों को नीचे रख दीजिए इस तरह से। दोनों हथेलियां नीचे आ गई। अब धीरे धीरे पैरों को खोलते जाइए, ओपन ओपन ओपन, जितना आप खोल सकते हैं, ठीक है। और जब आपको लगे आपने मैक्सिमम आप खोल चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं खोल सकते, तो यहाँ पर अब आप 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोज को अंदर टर्न कीजिए और धीरे धीरे पैरों को आराम से पास में लेके आइए पहले और फिर धीरे से ऊपर आ जाइए, ठीक है। इस प्रैक्टिस का भी हमने एक सेट किया है। इसी तरीके से आपको इसको 3 सेट करने हैं और जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाए अपने पैरों का जो ओपनिंग है, जो स्पेस है, वो आप बढ़ाते जाइए, ठीक है। जब आपने अभी ये 2 प्रैक्टिस किए हैं इसके बाद आपके पैरों में यहाँ पे आपको काफ़ी खिंचाव महसूस हो रहा होगा, तो ये प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर करते हैं तो यहाँ का आपका फैट भी रिड्यूस होता है और आपकी मसल्स की भी टोनिंग होती है। जो लटका हुआ फैट होता है ना वो आपका नहीं रहता है, ठीक है। तो ये 2 प्रैक्टिस मैंने अभी आपको बताई हैं, ये आपको डेली बेसिस पे करनी है। आपके घुटने में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, बड़े आराम से इनको कर सकते हो। जल्दबाजी नहीं करना, खींचतान नहीं करना। अभी पैर उतने ज़्यादा नहीं खुल रहे, चलेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए यहाँ पे आ जाएंगे मैट के एक कोने पे, ठीक है। अपने एक पैर को पीछे स्ट्रेच करेंगे और हाथों को धीरे से ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, एंड देन बैक। ये ध्यान रखना कि आपके पैर सीधे रहने चाहिए। जो भी पैर आप पीछे लेके जा रहे हो उसको आप सीधा रखोगे, टोज को नीचे लगाओगे और इस तरह से वापिस आओगे, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये भी आपके पैर के टोनिंग करती है, काफ मसल्स की फैट को रिड्यूस करती है, थाइस और हिप्स मसल्स की टोनिंग करती है, ठीक है। तो इसके हम करेंगे टोटल 20 टाइम्स, 10 बार एक पैर से, 10 बार दूसरे पैर से। सो लेट्स स्टार्ट।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेंटी। दैट्स इट। मुझे ऐसा लगता है अभी तक मैंने आपको जो भी एक्सरसाइज बताई है वो आप बड़े आराम से कर पा रहे होंगे, है ना। अगर कोई भी एक्सरसाइज ऐसी जो आप नहीं कर पा रहे हो तो उस एक्सरसाइज का नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, वन टू थ्री फोर कौन सी एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। अगली एक्सरसाइज बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ साथ में एक्सरसाइज करने चाहते हैं तो मेरे तीन लाइव वर्कआउट सेशन होते हैं एक दिन में। आप मेरे लाइव वर्कआउट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है वर्कआउट सेशन का। इनमें से आप कोई भी बैच आप ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो, सूटेबल हो, जो आपके रूटीन को मैच करता हो, ठीक है। एक घंटे के सेशन होते हैं जिसमें मैं आपको प्रॉपर वर्कआउट करवाती हूँ। अगर आपके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी भी तरीके का कोई भी मेडिकल इशू है, उस कंडीशन में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी चाहिए, डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं या आप अपनी किसी डिसीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान प्रोवाइड करवाऊंगी। आप सबको पता है मैं सर्टिफाइड डाइटिशियन हूं, तो आपकी हेल्थ पे मैं बहुत अच्छे से वर्क कर पाऊंगी क्योंकि मैं आपको एक डाइट प्लान भी दूंगी और वर्कआउट प्लान भी दूंगी। यानी कि वर्कआउट तो मैं अपने साथ साथ में आपको करवाने वाली हूं। तो अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विद इन 7 days आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इन क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। प्लीज डोंट कॉल बिकॉज फिर बहुत ज्यादा हॉचपॉच हो जाता है उसे, और कई बार आप लोग के कॉल अटेंड भी नहीं हो पाते हैं। तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मेरी टीम आपसे खुद कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए इस तरह से सीधे खड़े हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वॉल सपोर्ट यानी कि दीवार के सहारे करिए, या फिर आप चेयर या टेबल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो इस तरह से आपको पैर को ऊपर उठाना है और वापस रखना है। जितना आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं लिफ्ट एंड बैक, लिफ्ट एंड बैक, ठीक है। ये प्रैक्टिस हमें करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड जस्ट रिलैक्स, नॉर्मलाइज योर ब्रेथ। अपनी ब्रीथ को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। सो फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइज को आपको इसी तरीके से फॉलो करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। आप चाहे तो इनके ज्यादा रेपिटेशन कर सकते हैं। अब ये पूरा एक सेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। इन एक्सरसाइज को करने का बेस्ट टाइम है कि आप इनको सुबह सुबह करें। सुबह सुबह अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे के बाद दिन में कभी भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन एक्सरसाइज का बेस्ट रिजल्ट आप कैसे पा सकते हैं। इन एक्सरसाइज का बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं होगी तब तक सिर्फ एक्सरसाइज आपको हेल्प नहीं कर पाएंगी। एक्सरसाइज तो करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट भी जरूर लेना है। बैलेंस डाइट कैसे लेना है, तो आपका खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें आप दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस तरीके से, पोर्शन कंट्रोल में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ना ये बातें। अगर ये बातें आपको एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बैलेंस क्या होता है, हेल्दी क्या होता है, कितना लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, तो आप मेरे से अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और सैंपल डाइट प्लान का लिंक मैंने इसी वीडियो के लास्ट में यहाँ पे दे दिया है, एक बार इसको भी आप चेकआउट कर लेना। इसी तरीके का सिंपल डाइट प्लान आपका पर्सनल भी हो सकता है, बस आपको एक छोटा सा स्टेप लेना है और इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।